और उस टूल का नाम है विजुअल अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट, दैट इज VUE। मैं टूल का नाम चैट बॉक्स में लिख देती हूँ, आप इस टूल को गूगल में सर्च करें। कॉन्सेप्ट मैपिंग आप सभी ने की होगी, क्योंकि आप सभी जो है टीचर्स हैं और अपने बच्चों को कहीं ना कहीं किसी जो भी सब्जेक्ट आप टीच करते हैं उसमें कोई ना कोई कॉन्सेप्ट जरूर आप पढ़ाते होंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है, क्या होता है कॉन्सेप्ट और उसको कैसे पढ़ाया जाता है, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आप अपने बच्चे को क्लियर करना चाहते हैं, उसे बच्चे को फेमिलियर कराना चाहते हैं, तो आप क्या टेक्निक अपनाते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे बताएं कि व्हाट इज अ कॉन्सेप्ट। हम सबको पता है कि क्या कॉन्सेप्ट है, कितनी तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, और कॉन्सेप्ट अगर आप सपोज आपने कोई फर्स्ट सबसे पहले कोई कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्लास में, चाहे आप प्राइमरी के टीचर हैं, चाहे आप सेकेंडरी के हैं या सीनियर सेकेंडरी के हैं, तो कॉन्सेप्ट को सबसे पहले जब आप क्लास में इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या टेक्निक अपनाते हैं या किस तरीके से आप जो है उस बच्चे को उस कॉन्सेप्ट पे लेकर आते हैं। तो आप में से कोई शेयर करना चाहेगा, अपना वर्चुअल हैंड प्लीज रेज कीजिएगा और फिर बताइएगा। क्वेश्चन क्या हुआ था आपको? क्वेश्चन मैंने ये पूछा कि सबसे पहले आप ये बताइए कि कॉन्सेप्ट क्या चीज़ है, कॉन्सेप्ट मैपिंग, क्योंकि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट मैपिंग टूल कर रहे हैं। और अगर कोई कॉन्सेप्ट आप अपनी क्लास में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई पहली बार कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाह रहे हैं, सपोज आप मैथमेटिक्स के टीचर हैं तो आप त्रिकोण पढ़ा रहे हैं, या आप सर्कल पढ़ा रहे हैं, या आप इंग्लिश के टीचर हैं तो आप नाउंस पढ़ाने जा रहे हैं, ग्रामर का कोई भी आप एक टॉपिक उठा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या है मैम, रिलेटेड प्रीवियस नॉलेज जो होता है उसका, उस विषय से संबंधित जो उसका पहले का कुछ जानकारी उसके पास हाँ है, जी उसको रिलेट करते हुए फिर अपने कंटेंट पर या विषय वस्तु पे हम लाने का कोशिश करते हैं हाँ ये। जी सर, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि आपने बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस नॉलेज से जो प्रेजेंट नॉलेज है उसको आप कनेक्ट कर रहे हैं, यानी कि जो अभी आप पढ़ाना स्टार्ट करने वाले हैं उससे प्रीवियस नॉलेज उसकी कितनी है बच्चे की वो आप जानने की कोशिश करते हैं। जी बहुत 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 धन्यवाद सर। और इसमें हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं मैम, जैसे कोई ग्राफ है उसको जो है रिप्रेजेंट करके जो मैथमेटिकली हम मतलब इसमें दिखा सकते हैं। हाँ जी सर, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि अगर आप मैथ में कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाह रहे हैं प्राइमरी क्लास में, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आपको ट्रायंगल सिखाना है तो आप ट्रायंगुलर जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका आप पिक्चर या तो आप बोर्ड पे ड्रॉ कर सकते हैं, या उनकी पिक्चर आप जो है फ्लैश कार्ड की हेल्प से या जो कटआउट्स होते हैं उनकी हेल्प से आप उनको शो कर सकते हैं, है ना। और फिर आप पूछ सकते हैं कि इससे रिलेटेड ही आज हम एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं और उसको उसका नाम है टॉपिक का ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा मैम मेरी आवाज कंसेप्ट, अगर आपको डबल आ रही है तो सर, हेलो, हाँ एक सेकेंड, ये चैट बॉक्स में रीना मैम कहीं डबल आ रही है आवाज, तो उसका रीजन ये हो सकता है मैम आप दो डिवाइसेस से कनेक्ट तो नहीं है, आप मोबाइल और लैपटॉप दोनों से कनेक्ट तो नहीं है। जी सर आप कुछ कह रहे थे। जी मैं भूपेश श्रीवास्तव झारखंड से। कंसेप्ट सर, मैप किसी भी टॉपिक, कोई भी टॉपिक जो हम कवर करने जा रहे हैं उसका एक ओवरव्यू कि उस टॉपिक में हम क्या क्या चीज करने वाले हैं, वो कंसेप्ट मैप वो पूरा व्यू देता है कि हाँ इस जी चैप्टर में हम किन किन टॉपिक पे, किन किन बिंदुओं पे बात करने वाले हैं, और हाँ उसका पूरा एक ग्राफिकल मतलब डायग्राम से वो उसको दिखाकर हम आगे की बात करते हैं, और उन सारे टॉपिक्स को अगली जो मेरे क्लासेस होते हैं उसमें हम उन सब चीजों को डील करते हैं। जी सर बिल्कुल, ये तो आपने बताया हमें कॉन्सेप्ट मैपिंग के बारे में। हम अभी सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट को ही डिस्कस कर रहे थे कि कोई कॉन्सेप्ट अगर इंट्रोड्यूस कराना है तो आप क्या टेक्निक यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, जैसे कि सर ने बताया कि प्रीवियस नॉलेज हम देख सकते हैं, या उससे रिलेटेड अगर कुछ पिक्चर्स हैं जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ाने वाले हैं, पिक्चर्स हैं, शेप्स हैं, वो आप बच्चों को दिखा सकते हैं, और फिर उस कॉन्सेप्ट को हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि आज हम ये वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, लेकिन
अब उस टॉपिक को भी आपको फर्दर एक्सप्लेन करना है। तो फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए आप कॉन्सेप्ट मैपिंग का यूज कर सकते हैं अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। और कॉन्सेप्ट मैपिंग में टीचर क्या करता है कि जो भी मेन कॉन्सेप्ट होता है, जो मेन टॉपिक होता है, उसको फर्दर सब कॉन्सेप्ट्स में ब्रेक करता है। और तब तक वो ब्रेक करता है जब तक के बच्चे को उस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं आ जाती। ठीक है, तो आप सभी जो है यहाँ पे टीचर्स हैं, कहीं ना कहीं आपने कॉन्सेप्ट मैपिंग का नोइंगली या अननोइंगली यूज जरूर किया होगा। कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ाना चाह रहे हैं, कोई टॉपिक आप पढ़ाना चाह रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि ये थोड़ा सा मुश्किल है बच्चों के लेवल के हिसाब से, तो आपने उसको बहुत ईजी करने की कोशिश की होगी और उसमें आप सफल भी रहे होंगे। तो कॉन्सेप्ट मैपिंग में यही होता है कि सबसे पहले एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट होता है, एक मेजर कॉन्सेप्ट होता है, मेजर टॉपिक आप कह सकते हैं उसको, और उस मेजर टॉपिक को या मेजर कॉन्सेप्ट को जो है टीचर फर्दर सब कॉन्सेप्ट्स में ब्रेक करता है और उसको एक ऐसा रूप देता है कि बच्चे को आसानी के साथ जो है वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो समझ में आ जाए। तो ये तो हो गया छोटा सा इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट मैपिंग के बारे में। अब आपने एक नाम सुना होगा माइंड मैपिंग का भी, माइंड मैप्स भी आपने सुना होगा, माइंड मैप या माइंड मैपिंग्स। म्यूजिक किसको सुनाई दे रहा है? सॉरी, मैं ये बीच में चैट बॉक्स भी देख रही हूँ तो इसमें लिखा केवल म्यूजिक आ रहा है। मेरी आवाज आ रही है ना आप सबको? यस यस मैडम, जी आ जी यस आ रही है मैडम, मैम। ठीक है। ठीक है, ये पप्पू हरिजन सर बिहार से हैं। सर आपको म्यूजिक कहाँ से आ रहा है? आपके आसपास अगर कोई और डिवाइस है तो उसे प्लीज बंद कर दीजिए और आप ईयरफोन का यूज कर सकते हैं। तो माइंड मैपिंग सबने सुना होगा। माइंड मैपिंग क्या होता है? माइंड मैपिंग भी हम जो है एप्लीकेशंस होती हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं या वेबसाइट्स हैं अलग अलग, जिनकी हेल्प से हम जो है माइंड मैपिंग कर सकते हैं। तो बेसिक डिफरेंस माइंड मैपिंग में ये है कि माइंड मैपिंग में आपके मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, और कॉन्सेप्ट मैप जब आप बनाते हैं तो एक सिंगल कॉन्सेप्ट को ब्रेक करते हैं आप सब कॉन्सेप्ट्स में। तो ये एक मेजर डिफरेंस है माइंड मैप में और कॉन्सेप्ट मैप में। कॉन्सेप्ट मैप में सिंगल कॉन्सेप्ट को ब्रेक किया जाता है और माइंड मैपिंग में कई सारे कॉन्सेप्ट यानी मोर देन वन कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। तो अभी कॉन्सेप्ट मैपिंग का एक टूल जो मैंने आपको चैट बॉक्स में लिखा, विजुअल अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट, उसका हैंड्स ऑन हम करेंगे। और आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप अपने लैपटॉप से या पीसी से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो सबसे पहले आप विजुअल अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट की जो वेबसाइट है उसे आप खोल लें। और उसको ओपन आप कैसे करेंगे? आप सिंपल अपने स्क्रीन पे गूगल क्रोम में लिखेंगे विजुअल अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट। आप सब लोग मेरे साथ कर सकते हैं। आप सब लोग लैपटॉप या पीसी से कनेक्टेड है ना अभी? तो मैम स्मार्टफोन से भी कनेक्ट हैं कुछ लोग। अच्छा, लेकिन व्यू मैम पीसी से यू कनेक्टेड हैं बट जी ये डाउनलोड करने के लिए कह रहा है। हाँ, आप पीसी में ही गूगल खोलिए क्योंकि इसकी एप्लीकेशन नहीं है। जी गूगल ही खोला है मैंने, गूगल हाँ जी, मैं अब गूगल आपको से ही स्क्रीन विजुअल जी अंडरस्टैंडिंग। मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाती हूँ। हाँ ये तो हाँ tuftes.edu जी सर, का है। जी सर, वही मैं सबके जी लिए एक बार स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। ये देखिए गूगल क्रोम पे आप लिखेंगे विजुअल अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट। और इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है टफ्ट्स यूनिवर्सिटी का, इस पे यस आपको क्लिक करना है और इस टूल को आप डाउनलोड कर देंगे। तो डाउनलोड करने के लिए देखिए आपसे पूछेगा, वर्जन पूछेगा कि कौन से सिस्टम पे आप कर रहे हैं, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हैं, मैक का कर रहे हैं, विंडोज का कर रहे हैं या लिनक्स का कर रहे हैं। तो आप डाउनलोड पे कीजिए और यहाँ पे डाउनलोड के बाद ये कई सारे ऑप्शन आपको नजर आएंगे। नॉर्मली हम सब लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज करते हैं, तो विंडोज के नीचे
डाउनलोड व्यू फॉर विंडोज करेंगे, या जो लोग मैक का सिस्टम यूज कर रहे हैं वो डाउनलोड व्यू फॉर मैक ओएस करेंगे। मोबाइल में कैसे करेंगे मैम? मोबाइल में भी आ रहा तो किस पे करेंगे? ओके मोबाइल में इसकी एप्लीकेशन तो है नहीं सर। अच्छा, तो ये वेब है मैम जी, ये बोल रहे एप्लीकेशन नहीं है तो क्या है, वेब टाइप का है कि आप डायरेक्ट हाँ, गूगल। ये हाँ, वेबसाइट पे ये जो टूल है ऑनलाइन अवेलेबल है, मगर ये एप्लीकेशन की फॉर्म में नहीं है। नहीं, ओके, वेबसाइट मोबाइल में भी खोलने पे आ रहा है डाउनलोड विंडोज एमओके, तो डाउनलोड कर सकते हैं क्या इसमें आप मोबाइल करके देखिए सर, क्योंकि मोबाइल में हम लोग विंडोज तो यूज करते नहीं है, वो में? हाँ आपको पाथ तो दिखाएगा सेम जो आपको इधर लैपटॉप पे दिखा रहा है, वैसा पाथ जी, तो डाउनलोड दिखाएगा। नहीं होगा, नहीं हो रहा है। क्योंकि हमारे पास मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है ना, मतलब उसमें ओके तो प्रोसेसर्स होते हैं वो अलग होते हैं। जी, नोकिया का अगर मोबाइल हो आप करके देखिए सर, जिसमें मुश्किल है। नोकिया वाला मोबाइल में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है जी। करके देखिए सर, क्योंकि मैंने नोकिया का कभी ट्राई नहीं किया, अब मेरे पास है नहीं नोकिया का, तो जब एक बार आप फाइल करके देखिए फाइल हमारी। डाउनलोड होगा क्या मैम इसका? जी, फाइल डाउनलोड होगी हाँ, तो ये मैक अगर, ओएस तो पे हो रहा है। मैं बताती हूँ आपको सर, आप जितने भी यूजर्स हैं इस वक्त हमारे पार्टिसिपेंट जितने हैं, वो सेकंड ऑप्शन जो भी विंडोज जी यूज मैम, करते हैं मोबाइल आप यूजर, कीजिए। हाँ एक सेकंड मोबाइल मैम, यूजर जो है डेस्कटॉप मोड में डाल करके कर सकते हैं। हाँ ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं ना सिंपल, उसे अगर डेस्कटॉप व्यू में देखें तो आप कर पाएंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं, तो आप ट्राई करके देख लीजिए सर एक बार। हम सारे पार्टिसिपेंट्स को डाउनलोड करवा देते हैं, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो आपको वो फाइल शायद नहीं दिख रही है, वैसे एक बार और मैं ट्राई कर रही हूँ, और नेट का भी थोड़ा सा इशू हो रहा है सर। डाउनलोड व्यू फॉर विंडोज क्लिक करेंगे तो आपके पास एक सेटअप आएगा जिसमें सारी फाइल्स होंगी, और वो पूछेगा आपसे कि आप क्या इसको आगे प्रोसीड करना चाहते हैं, और नीचे ऑप्शंस होंगे, रन का होगा, एक क्लोज का होगा, और एक और ऑप्शन होगा, तो आप रन के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। आप सब लोग को दिख पा रहा है? अपने अपने पीसी पे आप देख पा रहे हैं? ये देखिए इंस्टॉलर कितने सारे डाउनलोड हो गए। स्मार्टफोन पे नहीं डाउनलोड हो सकता है? हेलो, नहीं, इंस्टॉलर मैम डाउनलोड हो चुका हाँ, तो एक बार देख लीजिए, इंस्टॉलर ये हो गया है। अब इस है पे ये हम क्लिक करेंगे व्यू इंस्टॉलर, यहाँ पे जो है। देखिए आपको मेरा मैडम, स्क्रीन मोबाइल दिख पे रहा है ये जो है जीप फाइल में आया है। हाँ, सर, आप मेरा स्क्रीन देखिए प्लीज, देखिए मेरे स्क्रीन पे। आपका आपका स्क्रीन, आपके एक स्क्रीन मिनट। मैम, एक चीज बता हाँ रहे हैं, स्मार्टफोन पे है, मतलब हो सकता है? नहीं सर, एप्लीकेशन इसकी नहीं है, व्यू की एप्लीकेशन नहीं है, और कॉन्सर्ट मैपिंग टूल्स हैं जिनकी एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी प्ले स्टोर पे, मगर व्यू की नहीं है। तो मैम हो गया अभी एक लेकिन बार, मैं अभी बता हाँ रही अब ऐसा करते हैं, एक एक स्टेप हूँ आगे मैम। वन चलते मिनट, हैं। एप्लीकेशन को करना है क्या? वन मिनट, हाँ जी सर, एप्लीकेशन को करना है क्या क्लिक? एप्लीकेशन कहाँ दिख रहा है आपको? जैसे डाउनलोड किया ना तो उसमें MACOX दिखता है और VUE इंस्टॉलर दिखता है। हाँ इंस्टॉलर, VUE इंस्टॉलर पे मैं करना है बोल रही हूँ सर। ना, अब मेरा स्क्रीन देखिए ना, मैं अभी रुकी हुई हूँ आप लोगों के लिए, मेरे स्क्रीन पे देखिए मैक ओएस आ रहा है और हो चुका व्यू मैम। इंस्टॉलर आ रहा है। मैंने इंस्टॉलर पे क्लिक करा तो ये और डायलॉग बॉक्स आया है, ये आपसे पूछ रहा है कि जितने भी जिप फोल्डर हैं आप उनको लेना चाहते हैं, तो मैंने बोल दिया एक्सट्रैक्ट ऑल, या मैंने कहा रन, ठीक है, मैंने रन पे क्लिक कर दिया। मेरा हो गया मैम, ओपन हो गया, बट ठीक है सर, यहाँ पे एम्प्टी मैप शो हो रहा है मुझे। हाँ इसके बाद जब, नहीं, हाँ एम्प्टी मैप आएगा ना, बिल्कुल आप सही जगह पहुंचे सर, अभी तो हम सबको डाउनलोड ही करना बता रहे हैं। जी, रन पे हमने क्लिक करा तो जो सेटअप है वो रन होना शुरू हो जाएगा, और ये हमसे पूछेगा कि आप चेंज करना चाहते हो अपने डेस्कटॉप पे, हमने यस कर दिया। फिर एक और डायलॉग बॉक्स आएगा, देखिए सब लोग को सेम ही डायलॉग बॉक्स दिखेगा, इसमें हम नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहेंगे, तो आपका जो ये एप्लीकेशन है ये आपके पीसी में या आपके लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाएगी। अभी मैसेज आ रहा है प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल, फिर
जितनी भी फाइल्स आप देख रहे हैं ये ग्रीन होता चला जा रहा है, यानी सारी फाइल्स जो है डाउनलोड होती जा रही हैं आपके सिस्टम में। ये हार्डली कुछ सेकंड्स लेगा और डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद फिर आप वहीं एम्प्टी मैप पे पहुंचेंगे जाके। तो सेटअप इंस्टॉल हो गया है, फिनिश पे हम क्लिक करेंगे। और आप देखिए ये विजुअल अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट का जो ड्राइंग एरिया है वो ओपन हो जाएगा, एम्प्टी मैप देखिए। जी, यहाँ तक मेरा यहाँ पहुंच यहाँ गया तक आप आ गए, इसका जी। मतलब आप बिल्कुल सही जगह आ गए। सब लोग का हो गया डाउनलोड? सब लोग प्लीज कर ले डाउनलोड। मोबाइल में नहीं ना संभव मैडम, नहीं ये स्मार्टफोन में हो मोबाइल में सकता नहीं है क्या? होगा, नहीं सही मोबाइल में नहीं होगा। मतलब वैसे तो बहुत सारी एप्लीकेशंस मोबाइल में अवेलेबल है प्ले स्टोर में, वो लेकिन एम्प्टी व्यू का मैप करके आया मैम स्क्रीन पे, जी सर। एम्प्टी मैप करके स्क्रीन पे आया है। हाँ हाँ, एम्प्टी मैप बिल्कुल सही सर। जब डाउनलोड हो जाएगा तो ये एम्प्टी मैप जैसे आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं वैसे ही दिखेगा। ठीक है, सब लोग आ गए यहाँ तक? यस मैम, एम्प्टी मैप तक आ गए। चलिए गुड। चैट बॉक्स में अगर बता दीजिएगा सब लोग यहाँ तक पहुँच गए। इसके बाद अब हम अपना कॉन्सेप्ट मैप ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। सेम मैसेज रिसीविंग, मतलब मैं समझी नहीं लोपामुद्रा मैम। अच्छा आप ऊपर, मैम गुड आफ्टरनून मैम, यहाँ पर बोल रहा है कि वो कुछ हार्ड डिस्क में चेंजेस करना चाहता है, तो इसको हाँ क्या? यस यस कर दीजिए। वो पूछता है जब कोई न्यू एप्लीकेशन आप यूज करते हैं तो पूछता है कि डू यू वांट टू चेंज इन योर ड्राइव, तो उसको यस कर दीजिए। वो आया था मेरा, मैंने भी यस कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ से हम अपना कॉन्सेप्ट मैप जो है वो ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, और उसके लिए क्या क्या कमांड्स हैं वो मैं एक बार आपको जो है थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। आप देखेंगे ये एम्प्टी मैप एरिया है, इस एम्प्टी मैप एरिया में कॉन्सेप्ट मैप ड्रॉ करेंगे जिसकी कुछ कमांड्स हैं। सबसे पहले मेन्यू बार दिया गया है आप देख रहे हैं ऊपर, जिसमें फाइल का ऑप्शन है, एडिट का है, व्यू का है, फॉर्मेट, कंटेंट, पाथवेज, एनालिसिस, विंडोज, हेल्प। तो फाइल का ऑप्शन सिमिलर इसमें सारे वही ऑप्शन है जो कि किसी भी एप्लीकेशन में आपको मिलते हैं, सिस्टम एप्लीकेशन में मिलते हैं, न्यू, ओपन, क्लोज, सेव, सेव एज। मैम साउंड नहीं आ रही है आपकी। अच्छा सर, मैं अभी थोड़ी देर चुप हो गई हाँ थी। ठीक हाँ हाँ वाह आ रही। है सर, इसके बाद आप देखेंगे एडिट का ऑप्शन है, इसमें भी सिमिलर वही सारे ऑप्शंस हैं जो किसी भी एप्लीकेशन में होते हैं। व्यू में आप देखेंगे तो ये कुछ ऑप्शंस इसमें अवेलेबल है, तो ये भी अभी हम बाद में कवर करेंगे। बट सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे ड्राइंग टूल्स क्या हैं। मेन्यू बार के नीचे आप देखेंगे ये सारे ड्राइंग टूल्स हैं। तो फर्स्ट जो ड्राइंग टूल है ये है सिलेक्शन टूल। जैसे आप इसके पास इसके ऊपर अपना कर्सर लेकर आएंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि ये कौन सा टूल है। ये सिलेक्शन टूल है, अगर आपको मैप को सिलेक्ट करना है या मैप के किसी भी एरिया को सिलेक्ट करना है तो सिलेक्शन टूल का यूज करेंगे। और ये नोड टूल कहलाता है, ये जो आप सेकंड टूल देख रहे हैं ये नोड टूल है। इसके हेल्प से आप अपने कॉन्सेप्ट मैप्स में जो कॉन्सेप्ट है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने इसको सिलेक्ट करा, हमने इस पर सिंपल क्लिक करा और ये सिलेक्ट हो गया। और सिलेक्शन के बाद आप देख रहे हैं कि कर्सर की शेप जो है वो प्लस के साइन में चेंज हो गई। तो सबसे पहले हम अपना कोई भी कॉन्सेप्ट जो मैं पढ़ाना चाह रही हूँ या जो मैं शेयर करना चाह रही हूँ उसको मैं ड्रॉ करूंगी। ठीक है, तो हमने एम्प्टी मैप एरिया पे लेकर आए, यानी ब्लैंक स्पेस का एरिया जो है उस पे लाए, और हमने ड्रैग कर दिया कर्सर को। ड्रैग करने के बाद इसने ये स्क्वायर की शेप ले ली। इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, और जितना छोटा आपको चाहिए उसके हिसाब से आप इसको रिसाइज कर सकते हैं। तो ये है मेरा मेजर कॉन्सेप्ट।
तो मैं अभी जो कॉन्सेप्ट मैप बनाऊंगी वो कॉन्सेप्ट मैप पे ही होगा कि कॉन्सेप्ट मैप क्या है और किस लिए काम आते हैं। फिर यहाँ जो टेक्स्ट आ रहा है इस पे मैंने डबल क्लिक करा और मैंने इस टेक्स्ट को रिमूव करके यहाँ पे मैंने अपने कॉन्सेप्ट का नाम डाल दिया, कॉन्सेप्ट मैप, क्योंकि हम आज कॉन्सेप्ट मैप ही डिस्कस कर रहे हैं तो मैं इसी पे एक डेमोन्स्ट्रेशन आपको दूंगी। इसके बाद हम अगर इसको मूव करना चाहते हैं तो आप कर्सर को इसके ऊपर लेकर आइए जो इसकी बाउंड्री एरिया है, और अपने जैसे मैं लैपटॉप पे काम कर रही हूँ तो लैपटॉप का जो लेफ्ट क्लिक है उसको प्रेस करके और कर्सर को मूव करके आप अपने जो ये बॉक्स है, नोड है, इसको हम इधर उधर मूव कर सकते हैं, जहां भी आपको रखना हो वहां रख सकते हैं। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट मैप क्या है? कॉन्सेप्ट मैप आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अब मुझे इन दो नोड्स को कनेक्ट करना है तो मैं ये कनेक्टिंग लाइन यहाँ से पिक करूंगी, यानी इसको हम लिंक टूल भी बोलते हैं, जो थर्ड लाइन है, और फर्स्ट कॉन्सेप्ट पे क्लिक करके सेकंड कॉन्सेप्ट तक इसको ड्रैग कर दूंगी तो ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो कनेक्ट हो जाएंगे। फिर आप बीच में देख रहे होंगे जब मैंने ये लाइन ड्रैग करी तो बीच में एक कनेक्टिंग वर्ड ऑटोमेटिकली आ गया, तो अगर हमें इसकी जरूरत है तो हम रखेंगे, अगर नहीं है तो हम इस कनेक्टिंग वर्ड को हटा भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें एक कनेक्टिंग वर्ड चाहिए तो हम यहाँ पे लिखते हैं आर। ठीक है, ये आपको सबको दिख रहा है ना, क्लियर? इससे हम ये बताना चाह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट मैप क्या है, यह है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये इसको कनेक्टिंग और फर्दर कनेक्टर कहाँ से लिए थे मैम? कनेक्टर ये हम प्लीज। ले रहे थे सर थर्ड, देखिए ड्राइंग टूल बार जो है ये, इसमें जो थर्ड हाँ ऑप्शन है ये लिंक टूल हाँ का, इस हाँ पे हमने क्लिक करा तो ये हाँ कनेक्टिंग टूल सिलेक्ट हो गया, और अब हम हाँ जहां भी इसे ड्रॉ करना चाहते हैं हम वहां लेकर आएंगे और ड्रैग कर देंगे। जैसे मैंने एक और इसको सिलेक्ट कर रखा है और मैं फिर इस बॉक्स पे लेकर आती हूँ जो मेरा मेन कॉन्सेप्ट है, वहां पे मैंने बिल्कुल इसके एज पर लाकर और फिर ड्रैग कर अपना कर्सर, तो ये कनेक्टिंग लाइन क्रिएट हो गई। और इसके ये साथ लेकिन हो साथ नहीं रही है मैम, लाइन क्रिएट नहीं हो रही है। लैपटॉप हाँ, आप सर पीसी पे या लैपटॉप पे? पे हम। अच्छा, तो आप ये जो लैपटॉप का टच बोर्ड है ना, एक फिंगर आपको टच बोर्ड पे रखनी है और एक फिंगर आपको रखनी है जो आपकी लेफ्ट की है, टच बोर्ड पे जो लेफ्ट की है ना उस पे, तो ये दोनों कीज दबा के जब आप ये सिलेक्ट करेंगे लिंक टूल को, तब आप इसे कहीं भी जहाँ आपको ऐड करनी है वो ऐड कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं। मैम 1 मिनट, 1 मिनट प्लीज। हाँ जी, जैसे ये अगर बॉक्स दो तीन जैसा आ ड्रैग रहा हो है। गए, दो तीन लाइन अगर ड्रैग हो गए तो तो उसे आप उसको सेलेक्ट करके, अगर फिर हाँ मूव, चलिए मैं आपको ये दिखाती हूँ। जैसे ये सपोज ये मेरी लाइन मान लीजिए एक्स्ट्रा ड्रॉ हो गई है, तो मैं इसको जी। सिलेक्शन टूल लूंगी जो फर्स्ट एरो है, और अपने इसको सेलेक्ट कर लूंगी इस लाइन को। ठीक है, इस पे क्लिक करा, जी सिलेक्ट हो गई और बस डिलीट जी का बटन दबाइए, डिलीट हो जाएगा। अच्छा, थैंक ठीक यू है, मैम। तो फर्स्ट एरो जो है ये सिलेक्शन टूल है। अच्छा, मतलब कोई ये अगर हमने एक्स्ट्रा अगर आ गए वो सिलेक्शन मैम टूल से, बोलिए उसको क्या रिमूव कर बताऊँ। सकते हाँ, हैं? सिलेक्शन टूल पे आप सिलेक्ट करके फिर आप जो भी एरिया आपको डिलीट करना है उस पे क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो ये जाएगा, एडमिशन की और बात थी ना वो। उसके बाद आप डिलीट का बटन दबा दिए। ठीक है सर, अच्छा, तो उसके बाद हम अभी आगे और अपना जल्दी से कॉन्सेप्ट मैप करते हैं। अभी जनरल कर रहे हैं फिर। कॉन्सेप्ट मैप आर क्रिएटेड क्रिएटेड फिर एक और नोड हमें चाहिए अगले के मैसेज के लिए। विद एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर्स, और एक देखिए मैं आपको एक बार डिलीट करके भी दिखा देती हूँ। जैसे ये कनेक्टिंग लाइन मैंने एक उठा ली है और इसके बीच में हम देख रहे हैं बाय डिफॉल्ट एक कनेक्टर आ रहा है,
यानी कनेक्टिंग वर्ड यहाँ पे आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको सपोज इस कनेक्टिंग वर्ड की जरूरत नहीं है तो आप इस पे क्लिक करेंगे और इस कनेक्टिंग वर्ड को हटा देंगे, तो ये सिंपल लाइन एक ड्रॉ हो जाएगी। उसमें एक चीज और मैम, अगर उसको रिसाइज यानी जैसे कोई बड़ा मतलब वो स्केच ग्राफ हो गया, अगर उसको स्मॉल फिल करना चाह रहे हैं तो फिर वही कनेक्टेड लाइन से ही वो हो जा रहा है। अगर बड़ा क्या हो गया तो जैसे साइज है ना, मैंने जैसे एक स्क्वायर बनाया है और दूसरा फिर जो टूल्स लगाया कॉन्सेप्ट मैप का जो आप लिखा है उसको डालने के बाद फिर जैसे मैं कनेक्ट किया तो वो कनेक्ट हो गया कनेक्टिंग टूल्स में, और जैसे वो साइज जो बिगर साइज में गया अगर फिर से उसको स्मॉल कर रहा हूँ तो फिर वहां कनेक्टिंग टूल से आ जा रहा है। अच्छा, तो एक मिनट ये समझो, एक काम कर सकते हैं सर। या आप उसको डिलीट करना चाह रहे हाँ हैं क्या? कुछ डिलीट नहीं करना चाह नहीं रहे अगर हैं या रिसाइज छोटा करना चाह रहे हैं? री हाँ, साइज रिसाइज करना चाह करना रहा चाह है रहा है। जी अच्छा, सर, रिसाइज उसके करना लिए चाह क्या रहे हैं। करना है, ये जो जी सेलेक्शन टूल है जी एरो वाला, एरो सेलेक्शन टूल है, इस पर क्लिक करके पहले व्हाइट एरो जो है कुछ बीच में, छोटा बड़ा कर सकते हैं ऐसे। हाँ व्हाइट एरो जो है उस पर क्लिक कीजिए। जी व्हाइट एरो पर क्लिक करके आप जिस ये को छोटा बड़ा करना चाहते हो पहले वहां जाके क्लिक हाँ, ठीक कीजिए। ठीक ठीक सर, है, थैंक यू। हो गया सर। हाँ, हो गया हो गया हो गया हो गया सर। सर, थैंक वेलकम यू। सर, वेलकम सर, चलिए, थैंक यू सर। तो मैं आपको ये वेलकम बता रही मैम। थी, हाँ, कि कनेक्टिंग वर्ड हम हटा भी सकते हैं, और मान लीजिए कनेक्टिंग वर्ड मुझे उसे धोखे से हट गया है क्लिक करके, तो इसे हम वापस ऐड भी कर सकते हैं। और ऐड करने के लिए सिंपल, जहाँ पे भी आपको ऐड करना है कनेक्टिंग वर्ड वहाँ पे डबल क्लिक करिए, और ये आप देख रहे हैं कि लेबल करके कनेक्टिंग वर्ड जो है क्रिएट हो यस जाएगा, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो हम इस पे यहाँ पे लिख रहे हैं, एक छोटा सा मैं पहले बना के फिर आपको बाकी के ऑप्शन इसके बता देती हूँ। आर यूज्ड कॉन्सेप्ट मैप, मैडम, आर, फ्रंट्स का जो साइज है मतलब बढ़ाना घटाना हाँ नहीं हाँ बोले, वो सब बोल भी सब नहीं सब बोले। अभी सब बताती हूँ मैम, सब कर सकते हैं इसमें। आर यूज्ड बाय स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, हम ये लिखना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो हमने एक बॉक्स बनाया स्टूडेंट्स का, फिर एक बॉक्स बनाया हमने टीचर्स का, एटसेट्रा भी कर सकते हैं। और यहीं से मैंने एक कनेक्टिंग वर्ड उठा के कनेक्टिंग लाइन लेके यहाँ पे जोड़ दी। तो इस तरीके से भी जो है आप अपनी लाइंस को कनेक्ट कर सकते हैं, कि एक ही कनेक्टर से आपने दो सब कॉन्सेप्ट को कनेक्ट किया है। ठीक है, ये सिर्फ एक छोटा सा ड्राफ्ट है जो मैं आपके साथ बना रही हूँ, इसको और भी इंट्रिकेट आप कर सकते हैं। तो बाकी के जो सवाल थे कि इसका हम फॉन्ट हम क्या कर सकते हैं, तो फॉन्ट भी मैं आपको इसमें जो फॉर्मेटिंग टूल्स है वो एक बार बता देती हूँ। देखिए, ये मेरा मेन कॉन्सेप्ट है और इसको मैं चाहती हूँ कि ये बोल्ड हो जाए मेन कॉन्सेप्ट, तो हम जाएंगे विंडोज में और फॉर्मेटिंग पैलेट इस पे क्लिक करेंगे, और अब देख रहे होंगे कि एक पैलेट जो है वो अपियर हो गई यहाँ पे। तो मुझे अब कॉन्सेप्ट मैप जो मैंने लिखा है इसका मुझे फॉन्ट बदलना है। फॉन्ट के लिए हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और जो भी फॉन्ट हमें चाहिए, ये हमारा सिलेक्ट नहीं हो पाया, सिलेक्ट करके फॉन्ट स्टाइल हम बदल लेंगे। एक सेकेंड, यहाँ सिलेक्शन नहीं हो रहा है इसलिए। हाँ, अभी चेंज हो गया ना। हम सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को, जिसका भी फॉन्ट हमको रिसाइज करना है या चेंज करना है, और उसके बाद टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ से हम फॉन्ट स्टाइल बदल सकते हैं, और इधर से हम फॉन्ट का साइज बदल सकते हैं। यहाँ पे हम फॉन्ट का कलर भी बदल सकते हैं। और अगर आप अभी आपको देख के लग रहा है कि सारे बॉक्सेस जो है सेम कलर के हैं, तो इसमें वो कौन सा मेन कॉन्सेप्ट है, कौन सा सब कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर नहीं हो रहा है, तो हम अपने मेन कॉन्सेप्ट को अलग कलर भी दे सकते हैं। तो मेन कॉन्सेप्ट का हमारा जो कलर है, नोड का कलर आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से फिल के ऑप्शन से।
फिल के ऑप्शन में आप अपने नोड्स का कलर चेंज कर सकते हैं जो भी आप रखना चाहें। तो सपोज इसको मैंने फिलहाल ग्रे कर दिया, लेकिन आप अपनी पसंद का कलर जो है कर सकते हैं। और ये जो सब कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे अगर आप इनको अलग तरीके से शो करना चाहते हैं, तो इन दोनों बॉक्सेस को, इन दोनों नोड्स को आप सिलेक्ट कर लीजिए, और फिर यहाँ से आप इनका कलर चेंज कर सकते हैं। दोनों को एक साथ ही मैंने सिलेक्ट कर लिया है। और इसी तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फॉन्ट का स्टाइल है, फॉन्ट का साइज है, ये नंबरिंग का ऑप्शन है, यानी किसी भी चीज का अगर आपको ऑर्डर दिखाना है 1 2 3 4 करके, सीरियल वाइज आप दिखाना चाहते हैं, तो ऑर्डर लिस्ट यहाँ दी गई है, बुलेट्स हैं, ये सब वो ऑप्शन है जो एमएस वर्ड में, एक्सेल में भी अवेलेबल है। तो ये जनरल ऑप्शंस, फॉर्मेटिंग ऑप्शंस सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं, और आप यहाँ पे देख सकते होंगे ये लाइन का स्टाइल है। जैसे आपने देखा कि मैंने यहाँ पे कनेक्टर, एक ये लिंकिंग लाइन ड्रॉ करी, ये मैंने एक लिंकिंग लाइन ड्रॉ करी, तो ये एरो की शेप में आ रही है, आप ये देख पा रहे होंगे, ये एरो की शेप में आ रही है। तो मैं इसका स्टाइल चेंज कर सकती हूँ, मुझे ये एरो वाला नहीं चाहिए, तो मैं इसे क्या करूंगी, मैं इसे सिलेक्ट करूंगी सिलेक्शन टूल की हेल्प से। और फिर यहाँ से इस लाइन का स्टाइल बदल दूंगी। ये पूछ रहा है एंड, एंड कैसा चाहिए, एरो की शेप में ही चाहिए या नन चाहिए, हमें नहीं चाहिए। तो ये देखिए इसका स्टाइल भी अब चेंज हो गया, ये एरो की शेप में नहीं आ रहा है, सिंपल एक लाइन की तरह हमें दिख रहा है। इसी तरीके से आप इसकी स्टार्टिंग भी चेंज कर सकती हैं। सपोज आपको डायरेक्शन दिखाने हैं कि अगर आप वो दिखा रहे हैं विंड का कोई बना रहे हैं, मैप बना रहे हैं, और आपको डायरेक्शन शो करने, तो यहाँ पे आप एरो का स्टाइल बदल सकते हैं। ये जो कनेक्टर है हमारा, यानी जो लिंकिंग टूल है, इसका ये पूछ रहा है कि स्टार्टिंग आपको एरो वाली चाहिए। जैसे अगर मैंने ये स्टार्ट पे एरो कर दिया, तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एरो जो है अब मेन कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहा है ना। तो इट मीन्स कि ये डायरेक्शन दिखा रहा है। सपोज कोई भी कॉन्सेप्ट में अगर आप डायरेक्शन शो करना चाह रहे हो, तो आप एरो का स्टाइल बदल सकते हैं। आप स्टार्टिंग में भी रख सकते हैं, और आप एंड में भी एरो का ये जो पॉइंट है ये दिखा सकते हैं। इसके बाद ये स्ट्रोक्स दिखा रहा है कि लाइन आप किस तरीके की क्रिएट कर सकते हैं। ये भी मैं आपको एक बार करके दिखा देती हूँ। आपने सिलेक्ट किया अपनी लाइन को, और ये पूछ रहा है स्ट्रोक कि आपको किस तरह की लाइन चाहिए। पहला ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन का, फिर है डॉटेड लाइन, फिर ये डॉट जो है ये ब्रॉड होते चले गए। तो अगर आपको डॉटेड लाइन चाहिए, तो आप स्ट्रोक्स को क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप लाइन का जो है साइज बदल सकते हैं। इस ये देखिए, जब मैंने इसका वेट पे आप 4 पॉइंट कर दिया, तो ये और भी ज्यादा प्रोमिनेंट लाइन बन गई है। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके का कॉन्सेप्ट नोट बना रहे हैं और क्या उसमें मैसेज दे रहे हैं। ऑप्शंस यहाँ सब अवेलेबल है, बस इनको यूज आपको कैसे करना है वो आपको बेहतर पता है। उसके बाद आप देखेंगे, मैं एक और आपको इसका ऑप्शन दिखा देती हूँ। इस लाइन को मैं वापस से स्ट्रेट कर देती हूँ, यानी कि बिल्कुल स्मूथ लाइन। और इसमें अगर आप इसको कर्व देना चाहते हैं अपनी लाइन को, तो आप अपनी लाइन को कर्व्ड स्टाइल में भी ड्रॉ कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि आपने इस कर्व्ड लाइन को सिलेक्शन किया, और उसके बाद लाइन आपकी कर्व हो गई। लेकिन अब आप ये देखें, इसको आप कितना कर्व करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सपोज दो चीजों को आप कनेक्ट करके दिखाना चाह रहे हैं, तो आप इसको अपने हिसाब से जो है मूव भी कर सकते हैं। एक और ऑप्शन है इसमें कर्व्ड का, ये डिपेंड करता है कि आप इसको कहाँ और कैसे यूज कर रहे हैं। तो आप इस सेशन के बाद अपने सब्जेक्ट का कोई भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट उठा के, और उस पे कॉन्सेप्ट मैप्स प्लीज बनाइएगा, और जो ग्रुप है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, आप उसमें भी शेयर कर सकते हैं। और उसके अलावा जब असाइनमेंट्स आपको दिए जाएंगे, असाइनमेंट्स का काम होगा, तो असाइनमेंट्स में भी अपने सब्जेक्ट का कोई भी एक
कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट मैप बना के आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा। फिर शशिधर सर जी बताइए। हाँ हेलो मैम, जी सर, देयर अभी वाज अ मैं क्वेश्चन जी मैम। मैम, कैन वी गिव एनिमेशंस लाइक एरोज आर कमिंग वन बाय वन इन दिस, और इट विल बी अ स्टैटिक इमेज? हाँ, दिस वुड बी अ मैम ये स्टैटिक। एडिटिंग बॉक्स कैसे एक मिनट, होगा? एक सेकंड, आप प्लीज वर्चुअल हैंड रेज कीजिएगा, क्योंकि सारी आवाज एक साथ ना फिर वो समझ में नहीं आती है। तो मैं मैम की बात पे एक बार जवाब दे दूं। ये जो मैम आप मैप बनाएंगे ना, ये प्रभु फ्रॉम गोवा। हाँ ओके, मैप जो आप बनाएंगे मैम, ये तो स्टैटिक रहेगा, बट यू कैन ऐड इमेजेस, वीडियोस एंड अदर इंफॉर्मेशनल लिंक्स इनटू योर कॉन्सेप्ट मैप। तो हाउ कैन वी ऐड अदर कंटेंट इन द कॉन्सेप्ट मैप मैप दैट वी विल आल्सो लर्न। तो वो भी मैं आपको अभी डेमोन्स्ट्रेट करके बता देती हूँ कि और चीजें जो है हम कैसे ऐड कर सकते हैं। हाँ ओके मैम, लाइक हाइपर लिंक एंड ऑल ना? जी हाँ जी, देयर इज वन अभी तो क्वेश्चन। सिंपल सिंपल ओके मैंने आपको ये बताया कि ये जो ड्राइंग टूल है इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, हेलो हेलो, हाँ, सर बस एक मिनट दीजिए, ये एक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइंड मैपिंग एंड विजुअल अंडरस्टैंडिंग? विजुअल अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट जो है वो तो एक सिर्फ टूल है सर। इट इज ओनली अ टूल थ्रू विच यू कैन क्रिएट योर कॉन्सेप्ट मैप्स। देर आर मेनी अदर टूल्स ऑल्सो अवेलेबल, लाइक सी मैप एंड माइंडोमो ऑल्सो इज देयर। यू कैन क्रिएट योर कॉन्सेप्ट मैप थ्रू दीज टूल्स, बट एंड ऑल्सो फॉर क्रिएटिंग माइंड मैप देर आर मेनी टूल्स अवेलेबल ऑनलाइन इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन एंड इन द फॉर्म ऑफ वेबसाइट ऑल्सो। ओके, तो विजुअल मैम अंडरस्टैंडिंग एनवायरमेंट इज ओनली एन एप्लीकेशन थ्रू विच यू कैन क्रिएट कॉन्सेप्ट मैप। बोथ आर सेम ना मैम? नहीं, इट इज ओनली अ मीडियम। विजुअल अंडरस्टैंडिंग एनवायरमेंट इज एन एप्लीकेशन, इसके हेल्प से आप कॉन्सेप्ट मैप बना सकते हो। व्यू कॉन्सेप्ट मैप का नाम नहीं है, व्यू एप्लीकेशन का नाम है। मैम ये जो एडिटिंग बॉक्स है आई वो होप आई कहाँ एम से आया क्लियर था? सर। आपने एक अभी मिनट सर, क्लोज कर दिया। हाँ एक मिनट मैम, सर मैं क्या क्लियर हुई, आपका जवाब दे पाई मैं? Little I would like to know that what is the both I am just I am applying it, both are looking same. Apply आई एम नॉट गेटिंग सर व्हाट यू आर आस्किंग, कैन यू प्लीज रिपीट योर क्वेरी, बट आई वांट टू नो। यस we आई apply in mind mapping and visual understanding application, both are same na, yeah, something different. अच्छा, यू आर आस्किंग दैट कैन यू क्रिएट माइंड मैप्स आल्सो इन व्यू। Yes. यस सर, यू कैन क्रिएट, नो प्रॉब्लम। बिकॉज हेयर आई एम सेइंग आई ओनली जस्ट क्लैरिफाई अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेप्ट मैप एंड माइंड मैप व्हेन आई स्टार्टेड द सेशन। ओके, बट हेयर विद द हेल्प ऑफ व्यू यू कैन क्रिएट माइंड मैप्स आल्सो। इन माइंड मैप्स यू ऑलवेज एक्सप्लेन मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स, एंड इन कॉन्सेप्ट मैपिंग ओनली वन सिंगल कॉन्सेप्ट हैज बीन एक्सप्लेन टू द स्टेक होल्डर्स। सो यू आर फ्री टू क्रिएट माइंड मैप्स विद द हेल्प ऑफ व्यू ऑल्सो। मैम मैम एक्सक्यूज जो मी आपने मैम, कलर चेंज हेलो, किया वो एडिटिंग बॉक्स कहाँ से आया था? मेरा उस टाइम कॉल आ वो गया था तो मैं हाँ देख हाँ नहीं हाँ पाई। वो आएगा मैम विंडोज में। ये विंडोज का ऑप्शन आप देख रहे हैं ना, सेकेंड लास्ट ऑप्शन जो जी है, इस पे क्लिक हेलो, करेंगे। एक मिनट सर प्लीज, ओके, वन फॉर्मेटिंग बाय वन वन बाय वन, पैलेट। मैं आपका नाम लूंगी, आप प्लीज वर्चुअल हैंड उठा लीजिए, वर्चुअल हैंड रेज कीजिए, मैं आपका नाम लेके बुलाऊंगी, आप बेफिक्र रहे हैं। विंडोज में मैम फॉर्मेटिंग पैलेट है, आप ये देखिए, ये हमारी फॉर्मेटिंग पैलेट है, इसके हेल्प से जो है आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद यस मैम, थैंक थैंक यू। यू शशिधर सर, आपका हैंड रेज्ड है, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैम बस यही पूछना चाह रहा था कि एडिटिंग टूल बॉक्स कहाँ से है। ओके अच्छा ठीक है ठीक है। हरिदास सर, थैंक यू मैम। हरिदास सर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? वही क्वेश्चन था कि जो कलरिंग है या फिर जो बॉक्स बना वो अच्छा कहाँ अच्छा से है, तो वही विंडो से आ रहा है उसको बस जी क्लियर। जी जी अब मैं अभी इसके और ऑप्शंस भी आपको बताती हूँ। जी लोपामुद्रा मैम आपका कोई क्वेश्चन है? यस मैम, जब हम इसको सेव करेंगे
वो मैं अभी बताती हूँ मैम, अभी तो हम सिर्फ ड्रॉ कर रहे हैं, सेविंग का ऑप्शन भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है मैम। और करिश्मा प्रभु जी आप कहाँ से हैं मैम? करिश्मा प्रभु जी हेलो हेलो, मैम आई एम फ्रॉम गोवा, करिश्मा प्रभु। मैम मेरा और एक क्वेश्चन था, यहाँ पे अभी हमने जो टाइल्स बनाए हैं ना, वो फ्लैट भी दिखे, तो आपकी आवाज इज बिल्कुल मैम बिल्कुल क्लियर नहीं है, देयर फॉर समथिंग लाइक। आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं है एकदम, मतलब बहुत ब्रेक हो रही थी, मैं समझ नहीं पाई जी। हेलो मैम, कैन यू हियर मी? हाँ हाँ यस मैम बताइए। या मैम, माय क्वेश्चन वाज द टाइल्स दैट वी हैव मेड नाउ फॉर कंसेप्ट मैप, दे आर लुकिंग लाइक 2D टाइल्स, 2D एंड फ्लैट, सो इज देयर एनी ऑप्शन वेयर इन व्हिच वी कैन मेक देम 3D, लुकिंग लाइक 3D? नहीं, 3D का ऑप्शन तो मैम इसमें नहीं है, इसमें 2D वाला ही है, आप ऐसे ही देख सकते हैं इसको। बट यू कैन मूव, यू कैन गिव द शेप ऑफ योर कॉन्सेप्ट मैप एज पर योर रिक्वायरमेंट, बट यू कैन ओके क्रिएट मैम, ओनली दीज, हाँ दीज टाइप ऑफ बॉक्सेस यू कैन ड्रॉ हेयर। ठीक है, ओके मैम, और थैंक यू। इसके बाद अगर एक बार और देख लेती हूँ मैं किस किस के क्वेरी है, फिर मैं आगे हम बढ़ते हैं मैम एक क्वेरी मेरी है, जी सर। एक क्वेरी है, जैसे मैथमेटिकल अगर डेटा अगर उसमें हम डालना चाहें, मतलब कॉन्सेप्ट मैपिंग में, कोई एक एग्जांपल देके मैम मैथमेटिकल अगर दिखा सकती हैं तो। मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जो है वो डालने के लिए ना, जी हाँ तो सर वो तो फिर आपको कहीं से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें वो ऑप्शन नहीं कि सुपर स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट और वो एक्सप्रेशंस लिखने का हेलो जो पर्टिकुलर स्टाइल होता है ना मैथमेटिकल मैथमेटिक्स में, तो वो जी आप कहीं से हेलो कॉपी करके और फिर वो यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। हेलो। तो अगर सिमिलरली इन साइंस आल्सो मैम, जैसे साइंस में अगर कोई एक्सपेरिमेंट अगर हम दिखा रहे हैं। तो उस एक्सपेरिमेंट का सर आप यहाँ लिंक डाल सकते हैं, वही मैं बस एक बार अपना कंप्लीट करके मैं आपकी सबकी क्वेरीज लेती हूँ ओके हेलो हेलो, जी सर। आप अपना नाम बताएंगे मैं भूपेश श्रीवास्तव, झारखंड से। जी सर, बताइए। मैं कह रहा था कि ये तो कॉन्सेप्ट मैपिंग के टूल है, अगर ये सारे डायग्राम मैं वर्ड में ही बना पाता हूँ तो वो भी तो एक तरीका हो सकता है। हाँ वो भी एक तरीका हो सकता है, लेकिन इसमें आसानी ये है अलग क्या है वर्ड में, और इसमें क्या चीजें हैं वर्ड जो हमें एक्स्ट्रा मिल रही है इस सॉफ्टवेयर में और जो हम वर्ड में नहीं कर सकते? जी सर, मैं वही बता रही थी, ये अभी तक तो सिर्फ हमने ड्रॉ करा है, तो ये सारी चीजें आप वर्ड में भी कर सकते हैं, लेकिन वर्ड में थोड़ा सा आपको और ज्यादा टाइम लगेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने ये लिंकिंग टूल जब बनाया, ये लिंक टूल मैंने यहाँ पे, एक सेकेंड मैम, इवन आई फील दैट द कर्व्स एंड मैं ऑल वी बता कैन रही हूँ। टेक बेटर हियर इन दिस हाँ ऐप, 1 मिनट, अरे एक एज कम्पेयर टू वर्ड वी कैन टेक द कर्व शेप और सम अदर शेप ऑफ द एरोज ऑफ द हाँ कनेक्टर्स इन दिस ऐप। हाँ नहीं नो नो, इन द लेटेस्ट, इन मैं द सर सर लेटेस्ट आपकी वर्जन बात बता रही हूँ। ऑल ऑप्शंस आर देयर। हाँ, ये जो ना यहाँ जो सर लिंक मैंने, एक लिंक मिनट जस्ट अ मिनट जस्ट मिनट सर, ये मैंने यहाँ पे बनाया, ये देखा आपने देखा होगा कि यहाँ पे कनेक्टिंग वर्ड आया, ये आप वर्ड में डाल सकते हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है ये आपको मिल रहा है एक ऑप्शन। दूसरा तो ऑप्शन आप वहाँ ये देख रहे हैं, एक मिनट में सर बताती हूँ, रैपिड प्रोटोटाइपिंग जो है इसमें भी जो है दो कनेक्टर जो है वो साथ में आएंगे। ठीक है, बाकी वर्ड के जो ड्राइंग टूल्स हैं वो भी बहुत ज्यादा है, आप ये भी सही कह रहे हैं, लेकिन हाँ उसमें आपको टाइम लगेगा करने में। और जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फीचर इसका है वो मैंने अभी आपको ये बताया कि आप अपने कॉन्सेप्ट मैप में जो है एडिशनल लर्निंग मटेरियल जो है वो ऐड कर सकते हैं, जो कि अभी मैंने मैम ने क्वेश्चन पूछा था तो मैंने तब बताया था। ये मैंने अभी एक रैपिड प्रोटोटाइपिंग का करा है सिर्फ आपको ऐसे दिखाने के लिए। ये वाला ऑप्शन शायद आपको वर्ड में नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें दो नोड्स एक साथ आ रही हैं और इसको आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से छोटा बड़ा या फॉर्मेटिंग इसकी कर सकते हैं। दूसरा और दूसरी यहाँ दूसरी पे, बात ये है, हेलो, हाँ सर बताइए। वर्ड और इसमें ये डिफरेंस है, यहाँ नोड के साथ लिंक हमेशा जुड़ी रहती है, अगर आप नोड को घुमाओगे तो लिंक भी साथ जाएगी, शायद वर्ड में ऐसा नहीं हो पाएगा। नहीं मैम इसमें आप वो चार्ट के पीछे क्या बैकग्राउंड भी डाल इसमें सकते सारे सारे एरोज एंड जो बॉक्सेस है वो एक एक साथ एक ग्रुप में आ जाएंगे, कि हम सारे को मूव करें तो एक साथ पूरा मूव हो? हैं। हाँ जी मूव होएगा सर, वो आप जब सेलेक्ट करेंगे ना
अपने नहीं कॉन्सेप्ट मैप नहीं को। ये जो पूरा कंसेप्ट मैप आपने बनाया, कंसेप्ट मैप, ग्राफिकल, स्टूडेंट, टीचर, ये पूरा एक साथ मूव हो रहा है। हाँ, पूरा एक साथ मूव होएगा। मैं आपको भी दिखा देती हूँ सर करके, आप तो सेलेक्ट सर करें। सेलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ जी, सेलेक्ट करके और फिर आप अपने पूरे कॉन्सेप्ट मैप को जैसा भी आपको चाहिए आप मूव कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। ये तो मैंने बहुत छोटा सा बनाया है कॉन्सेप्ट मैप, जैसे और डिटेल्ड अगर होते नहीं, हैं। ऐसा सिलेक्शन से तो वर्ड में भी होता है। हाँ ठीक है, वर्ड में भी होता है, लेकिन आप ये देखिए ना, ये स्पेसिफिकली कॉन्सेप्ट मैपिंग के लिए ये टूल जो है क्रिएट किया गया, डेवलपर ने डेवलप कराया है। नाइस। मैम, इसके पीछे आप तो इसके बैकग्राउंड भी डाल बाद सकते हैं। हाँ सर, कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर इसका आप चेंज कर सकते हैं। नहीं, कलर नहीं, मैम, अगर मुझे एक ऐसा इमेज, सीनरी जैसा बैकग्राउंड डालना है हाँ तो आप डाल जरा डाल सकते दिखाएंगे हैं, तो डाल अच्छा सकते रहेगा। हैं। वो आप सर एक बार ट्राई करिएगा, आप बैकग्राउंड इमेज डालने के लिए बोल रहे हैं ना, हाँ मैम। एक बार आप ट्राई करके देखिएगा। तो मैं इसमें आगे आपको बता देती हूँ। आप, हमने अभी बात की थी कि हम अपने इसमें एडिशनल रिसोर्सेज भी ऐड कर सकते हैं। तो एडिशनल रिसोर्स ऐड करने के लिए जिस भी नोड में आप बता रहे हैं, सपोज मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, और मैं यहाँ पे बच्चों को ये बताना चाहती हूँ कि और कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी हेल्प से कॉन्सेप्ट मैपिंग की जा सकती है। तो मैंने इस नोड को सिलेक्ट करा और राइट क्लिक करा। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि इसमें ऑप्शन आ रहा है ऐड नोट्स का, ऐड कीवर्ड्स का, जेनरेट कीवर्ड्स का, ऐड यूआरएल का, ऐड इमेज या फाइल, ऐड मोड मोस्ट रेलेवेंट फ्लिकर इमेज। अगर कोई फ्लिकर इमेज आप ऐड करना चाहते हैं तो मुझे यहाँ पे बताना है बच्चों को मोर सॉफ्टवेयर थ्रू विच दे कैन क्रिएट कॉन्सेप्ट मैप। तो यहाँ पे मैं कोई भी लिंक डाल सकती हूँ। ठीक है, एड यू आर एल करेंगे तो यहाँ पे जो भी यू आर एल, सपोज किसी एप्लीकेशन का लिंक है तो वो लिंक आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये आप करके देखिएगा, मैं सिर्फ अभी आपको बता रही हूँ किस तरीके से एडिशनल रिसोर्स जो है ऐड की जा सकती है। मान लीजिए मैंने ये कोई लिंक ऐड कर दिया और आप देख पा रहे होंगे, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ उस बॉक्स को। आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक छोटा सा डॉट क्रिएट हो गया जिस पे लिखा है वेब, है ना। अब जब भी हम यहाँ पे अपना कर्सर लेकर आएंगे ये हैंड की शेप में आएगा क्योंकि हाइपरलिंक है, और क्लिक करते ही बच्चा उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे पहुंच जाएगा। मैंने यहाँ कोई वेबसाइट का नाम नहीं डाला था तो इसलिए वहां नहीं जा पा रहे हैं। आप अपने लैपटॉप पे ट्राई करके देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स पे कोई एडिशनल रिसोर्स ऐड करना चाह रही हूँ। तो फिर मैं वही प्रोसेस, वही स्टेप्स जो है रिपीट करूंगी। मैंने क्लिक करा अपने नोट को, राइट क्लिक करा और यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करा ऐड इमेज या फाइल। तो ये कंसेप्ट मैप जब पीडीएफ या किसी फॉर्म में हो हाँ जाएगा, हाँ हाँ जी, हाँ जी, नहीं तब फिर वो पीडीएफ में लिंक। तो नहीं हो पाएगा सर। हाँ पीडीएफ में हाँ तो ये सारे लिंक्स नहीं खुल पाएंगे क्योंकि वो तो स्टैटिक हो जाएगा ना। हाँ तो हाँ, ये लिंक एक्टिव किस मोड में होगा? मान लीजिए हम यहाँ बना दिए, सारे लिंक्स डाल दिए। आप इसको डॉट वीयूई में ही सेव करेंगे और जब आप इसको खोलेंगे तब भी आपके पास व्यू एप्लीकेशन होनी चाहिए, तब ये सारे इसी इसी लिंक जो इसी है। एप्लीकेशन में बच्चा भी खोलेगा तभी वो लिंक से वहां जा पाएगा। हाँ, बच्चा खोलेगा या जैसे सपोज आपने घर में बनाया और आप स्कूल में खोलना चाह रहे हैं क्लास में, तो स्कूल में भी आपके पास ये हाँ वही नहीं, एप्लीकेशन। जैसे जैसे ये हाँ कंसेप्ट मैं किसी किसी को किसी मतलब अपने बच्चे को रेफर करता हूँ तो वो जी, उन सारे लिंक्स को तभी उसके खोल पास वो पाएगा। एप्लीकेशन होनी चाहिए। हाँ होना जी होना चाहिए। जी अच्छा ठीक है सर, मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करा स्टूडेंट्स पर और मैंने ऐड इमेज करा। यहाँ मुझे कोई एडिशनल इमेज डालनी है तो ये आपसे लोकेशन पूछेगा कि इमेज कहाँ पर है, कहाँ से उठानी है इमेज। इमेज तो जैसे देख के, मेरे पास डेस्कटॉप पे कोई इमेज नहीं है, लेकिन आप एक बार करके देखिएगा एक पिक्चर्स। कोई भी वो हाँ, विंडो कोई का भी इमेज इमेज ले यहाँ पे आप लीजिए। लेके ओपन करेंगे विंडो तो विंडो विंडो के पिक्चर यस मैम, गैलरी हो से ले गया। लीजिए ना मैम, हाँ विंडो नहीं, का मेरे पास पिक्चर। ऐसे अभी कोई इमेज ऐसी नहीं थी, सब वैसे ही नहीं है ऑफिस। नहीं माय विंडो पिक्चर्स विंडो विंडोज विंडो के में होते पिक्चर्स हैं, में जाइए ना, विंडोज के अपने पिक्चर्स। पिक्चर्स पिक्चर्स में जाइए। म्यूजिक के नीचे पिक्चर्स है, हाँ म्यूजिक के नीचे हाँ पिक्चर्स। हाँ नहीं, इसमें वो है कुछ, ओपन ओपन कीजिए, ओपन कीजिए। ओपन डबल क्लिक। नहीं, मुझे पता हाँ नहीं, मुझे यहाँ से उठानी चाहिए इसलिए मैं नहीं आगे बढ़ रही थी।
नहीं कुछ बैक आप अपने उस पे करके जा, ओके देखिएगा, अपने सिस्टम पे करके देखिएगा। हो गया मैम। ओके हाँ, तो यहाँ से बस मेरा बताने का यही पर्पस था कि आप इमेज कैसे ऐड कर सकते हैं यहाँ पे किसी भी जी नोड में। अगर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इमेज ऐड करेंगे, यूआरएल ऐड करेंगे, फ्लिकर की कोई इमेज है तो वो लेना है, और ये ऑलरेडी अगर आपने ऐड कर दिया उसे रिमूव करना है तो रिमूव रिसोर्स की हेल्प से आप कर सकते हैं, और इन सारे मैम, ऑप्शन को जो भी। इमेज है वो तो हमारे कंप्यूटर में है, किसी के वहां जाएगा तो वो इमेज वहां कैसे खुलेगी? नहीं, वो इमेज यहाँ पे अटैच हो गई ना, आके अटैच हो जाएगी ना, तो फिर जब बच्चा खोलेगा उसको या जो आप जो उसको अटैच खोलेंगे, हुआ है वो वो एकदम एकदम ब्लर ब्लर होती होती है, है, इमेज दिखेगा। इमेज ब्लर दिखती है और उस पे जाके क्लिक करते हैं तब उसकी वो इमेज ओपन होती है, क्योंकि हाँ जैसे आपको मैंने ये बताया कि वो आप, हमारे पीसी में है इस वक्त, लेकिन उसके पीसी में नहीं होगा तो वहां कैसे खुलेगी? नहीं नहीं इस एप्लीकेशन में वो जब खोलेगा तो वो दिखेगा। यहाँ पे हाँ एप्लीकेशन में खुलेगी, लेकिन वो इमेज हमारे कंप्यूटर में है तो वहां नहीं उसको वो अपलोड इमेज करना यहाँ पड़ेगा। जो इमेज यहाँ एम्बेड हो जाएगा वो दिखेगा उसे। चलिए मैम, एक बार ये भी डाउट आप जब क्लियर आपने करिएगा, एक बार इंसर्ट किया करके ना मैम तो वो देखिएगा। यहाँ पे हाँ एम्बेड हो गया जी। हाँ हाँ अब वैसे तो वो अटैच हो फाइल गई। कहीं भी खोलेगा इस ऐप में तो वो दिख जाएगा, हाँ। वो उसका कॉपी बन गया यहाँ पे। इसके मैम बाद बस मैं शेयर एक कैसे बार, करेंगे? हाँ एज ए स्क्रीन, जो तो स्क्रीन पिक्चर होता है ना वो वैसा खुलता है पूरा, हाँ वो हमारा पूरा जो ऊपर स्क्रीन का पे है यूआरएल पूरा। वो सब दिखता है उसको, मतलब पूरा पूरा जो हमारा स्क्रीन है वो दिखता है। आपकी जिस साइज में भी आपने मैडम इमेज ऐड मैडम करी होगी मैडम इसमें। हाँ, इनका जो क्वेश्चन है मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पे जब हम बॉक्स को क्लिक करते हैं तो राइट क्लिक करने के बाद ऐड यूआरएल और ऐड इमेज फाइल ऐसा एक नेम आता है, वहां से अगर आप अपना इमेज इंसर्ट करें तो इमेज अपने यूआरएल में रहता है, और अगर नीचे का इमेज से अगर आप करेंगे, नीचे भी आपको इमेज दिया गया है उससे वो इमेज के साइज वो कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन ऐड इमेज अगर आप करेंगे और वो इमेज आप अगर डालेंगे तो इमेज अपने कंसेप्ट मैप में रहेंगे, और जो आप पीडीएफ बना के छात्र को देंगे तो इमेज के साथ ही उनको दिखाई देंगे। हाँ ओके आपने किया है देखिए जैसे, ओके ये एक इमेज जैसे मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है हाँ आपने ना। जो अभी इंसर्ट किया है वैसे भी। हाँ तो यहाँ पे बच्चे को भी, क्योंकि पीएनजी फॉर्मेट में है तो पीएनजी करके दिख रहा है, और इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये इमेज का जो भी ओरिजिनल साइज है वो ओरिजिनल साइज बच्चे को नजर आएगा। हाँ वो इस ऐप में खोलेगा तब। हाँ जी, उसके पास अगर व्यू होगा तो ठीक है। तो ये इमेज मैंने अटैच करी थी, ये इमेज जो है जो भी इसका फुल साइज है, जो इसका डायमेंशन है उसी डायमेंशन में नजर आएगी। तो एक तरीके से आप ये एडिशनल इंफॉर्मेशन या एडिशनल जो नोट्स है, एडिशनल नॉलेज है, वो आप बच्चे को इसमें एम्बेड करके दे रहे हैं। और ये वाला फीचर आप पूछ रहे थे ना वर्ड में और इसमें क्या डिफरेंस है, तो ये एक मेजर डिफरेंस है वर्ड में और कॉन्सेप्ट मैप के एप्लीकेशन को जब आप यूज करते हैं तो इसमें। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि इसको आप सेव कैसे करेंगे। तो सेव करने का वही तरीका है जो सिंपल किसी भी फाइल को आप सेव करते हैं। अगर आप सेव का बटन दबाएंगे तो इसी नाम से सेव हो जाएगी, सेव एज करके करेंगे तो आप रीनेम अपने एप्लीकेशन को कर सकते हैं। तो जैसे अभी बाय डिफॉल्ट इसका लिख के आ रहा है माई न्यू मैप, तो हम इसको कर देते हैं माई फर्स्ट मैप। और बाय डिफॉल्ट इसकी एक्सटेंशन आएगी डॉट वी यू ई। अभी आपसे पूछ रहा है कि किस फॉर्मेट में करना है, तो आप ये देख रहे हैं कि इसका एक तो व्यू पैकेज, व्यू में ही आप सेव कर सकते हैं, आप इसको एच टी एम एल के फॉर्म में कर सकते हैं, पीडीएफ के फॉर्म में कर सकते हैं, जेपीजी के फॉर्मेट में कर सकते हैं, पीएनजी, एसवीजी, आरडीएफ, जो भी आपको सूटेबल लगे आप उस फॉर्म में कर सकते हैं। तो अगर आपको रीओपन करना है, जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन आंसर में कि अगर हम किसी और लोकेशन पे इसे खोलते हैं तो रिसोर्सेज खुलेंगी या नहीं खुलेंगी, तो वीयूई में खुलेंगे तो ऑब्वियसली इसकी रिसोर्सेज खुलेंगे, पीडीएफ में करेंगे तो ये स्टैटिक हो जाएगा, सिर्फ हमको दिखेगा कि कोई रिसोर्स है बट उसको हम ओपन शायद ना कर पाए। और जेपीजी में अगर आप करना चाहते हैं तो आप जेपीजी में कर सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे किस फॉर्मेट में सेव करना है और किस लोकेशन पे करना है। डेस्कटॉप पे करना है तो आप डेस्कटॉप पे क्लिक कर दीजिए और सेव कर दीजिए। तो सेव करने के बाद हम देखते हैं कि हमारा मैप कैसे दिखेगा।
ये है हमारा कॉन्सेप्ट मैप। ये भी डाउनलोड नहीं पीडीएफ हुआ आई थिंक। हाँ नहीं, नहीं नहीं पीडीएफ पीड में व्यू में ही हमने इसको किया था। एक्रोबैट रिटर्न अभी तो कोई सवाल है तो करिए, मैं इसको एक बार ओपन करती हूँ। कोई क्वेश्चन अगे अगर अभी आपके हैं इसमें तो से कुछ जो या ये आपको है मैम। एप्लीकेशन ओपन करके ही ओपन करना पड़ेगा, फिर तो ओपन हो जाएगा। मैम मेरा एक सवाल है, जी सर। जैसे ये तो मान लीजिए कि हम लैपटॉप पे इसको बना सकते हैं, लेकिन फिर बच्चे जो अगर एसेस करना चाहे उसको, तो वो तो उसके पास चूंकि रूरल एरियाज होते हैं तो लैपटॉप होते नहीं, तो हाँ जी फिर सर। उनके लिए ये कितना बेनिफिशियल होगा? इनके लिए तो ये कुछ नहीं हुआ, वो हमारे लिए बन सकता। हाँ हमारे लिए बन सकता है, लेकिन हम उसको जब क्लास में पढ़ा रहे हैं बस तब हम ये कर सकते हैं कि टीचिंग में अपने जो है यूज करें। बच्चे को हम कॉन्सेप्ट मैप बनाने के लिए तो दे नहीं सकते हैं, बस बच्चे के काम में ये आएगा कि जो भी आपने इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन डाली है बच्चा उसे यूज कर सकता है। तो आप ये कर सकते हैं सर कि आपने कॉन्सेप्ट मैप बना लिया है, और या तो मैडम उसका प्रिंट निकाल के बच्चे को दे सकते हैं। मतलब हम अब सपोज मैडम मैं हमारा क्वेश्चन है, है सपोज एक एक हेलो मिनट हमारा पर एक मिनट मतलब मुझे जो लग रहा है, मैं आपकी बस बात का जवाब देना चाह रही थी कि हमारा पर्पस कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और कॉन्सेप्ट को हम ये चाह रहे हैं कि बच्चे को समझ में आ जाए। तो आपने मैडम, जो डिटेल्ड कॉन्सेप्ट मैप बनाया है तो हेलो उस मैडम, एक एक सेकंड सर मैं सुन रही हूँ, फिर मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। उस कॉन्सेप्ट मैप का आप प्रिंट निकाल कर या तो बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो उसको घर में जाके रीड करें, और फिर नेक्स्ट डे आप उनका जो है वो असेसमेंट कर सकते हैं, उनको समझ में आया या नहीं आया। या अगर आप सॉफ्ट कॉपी में उनके साथ शेयर कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में और बच्चों के ग्रुप्स बन जाते थे तो ग्रुप्स में आप बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है कि जिससे आप बच्चे को इसका फायदा मिल सकता है। बाकी बच्चे के पास, हर बच्चे के पास लैपटॉप या पीसी या स्मार्टफोन होना वो पॉसिबल नहीं है आज के टाइम में, क्योंकि जैसे अगर जैसे वो ग्रुप में अगर इसको मैं शेयर करता हूँ, जैसे जो भी कॉन्सेप्ट मैपिंग मैंने बनाया, तो वो बच्चे मोबाइल में एसेस करके वो देख सकते हैं ना कि जो चीज मतलब एज फॉर्म एज इट इज। हाँ देख सकते हैं सर, लेकिन वही है ना कि वो इसकी एप्लीकेशन तो नहीं है, तो आपको इसकी इमेज या आपको इसका वो HTML फॉर्म में आपको शेयर करना पड़ेगा। मैडम नहीं एक अभी कल एक हाँ अभी बॉक्स जैसे ड्राफ्ट आप करके हमारे वहां पर, स्कूल वगैरह, हेलो स्कूल वगैरह में जैसे ICT लैब है, तो हर कंप्यूटर पे अगर कंसेप्ट मैप बच्चों को शेयर करें और वे एक एक कंसेप्ट मैप खोल के देखें, तो इसका इस्तेमाल अच्छा हो सकता हाँ जी सर। है। जी बाकी मैं कॉन्सेप्ट मैपिंग हम सिर्फ इसीलिए करते हैं कि एक बार बस क्लियर कर सके बच्चे को, कोई भी जो डिफिकल्ट टॉपिक हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या हम पढ़ा रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप बच्चे को कॉन्सेप्ट मैप का होमवर्क देंगे, तुम कॉन्सेप्ट मैप बना के लाओ। क्लास में ही जो अगर आपका कोई टॉपिक शुरू कर रहे हैं तो बच्चे को ब्लैक बोर्ड पे ही बुला के चौक दे के बता सकते हैं, मतलब उससे बोल सकते हैं कि तुम बताओ इसका कि, और इसको सिंपल स्टाइल में हम कैसे सब कॉन्सेप्ट में ब्रेक कर सकते हैं इस एक कॉन्सेप्ट को। तो यानी ब्लैक बोर्ड पे भी आप जो है कॉन्सेप्ट मैपिंग कर सकते हैं या बच्चे को करवा सकते हैं। ये अभी जैसे कुछ बुक्स नई छप रही है जिसमें बच्चों की जो बुक है, हर चैप्टर में मैं देख रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट मैप बना हुआ होता है, ताकि वो पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू मिल जाता है, जी बाकी पन्ने में नहीं भी जाएं और वो कॉन्सेप्ट मैप देख के कि उस चैप्टर में क्या बातें होने वाली है ये पता चल जाता है। तो अभी के बुक्स में कॉन्सेप्ट मैप भी दिया जा रहा है हर चैप्टर के साथ। जी सर जी। तो उसका फायदा अभी यही है ना कि थोड़ा सा एक ओवरव्यू मिल जाता है टीचर को भी और बच्चे को भी। एक्चुअली और मैम रूरल जी एरियाज में, सर रूरल एरियाज बताइए। में टीचर्स भी दे यूज द ब्लैक बोर्ड, क्योंकि ब्लैक बोर्ड के थ्रू भी हम बहुत सारा ड्राइंग्स बना सकते, बहुत कुछ कर इंटरकनेक्टेड सकते हैं। बहुत सारा चीज होता है। जी। तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट मैपिंग, मतलब इट इज जस्ट लाइक कॉन्सेप्ट मैपिंग ओनली।
मतलब ये उनको जरूरत नहीं है लैपटॉप की या डेस्कटॉप की, ये फ्री फ्री हैंड सिर्फ ड्राइंग, फ्री हाँ हैंड ड्राइंग इज मीन्स इफ यू टिकटॉक हैव पे तो मुझे लगता कंसेप्ट। है कि बहुत स्ट्रांग जो टूल है वो ब्लैक बोर्ड ही है। मतलब एक टीचर के लिए बहुत, हम बहुत कुछ सिखा सकते हैं, क्योंकि मैं भी टीचर ही हूँ, मैंने बहुत साल टीचिंग की है। तो ब्लैक बोर्ड के थ्रू आप जितना अच्छा कन्वे कर सकते हैं ना, वो आप सामने लैपटॉप रख देंगे बच्चे को तो उतना क्लियर नहीं हो पाएगा। क्योंकि वही बात है जैसे सर ने बोला कि सबको, सारे बच्चे है भी नहीं लैपटॉप से फेमिलियर, सबको आता भी नहीं है चलाना, सबको पता भी नहीं है कि इस पे कैसे काम करते हैं। लेकिन बच्चों के लिए ब्लैक बोर्ड जो है बहुत हैंडी है, उनके क्लास में हर वक्त वो सामने उनके है। और दूसरी बात ये कि जो अभी हम एप्लीकेशन की जो बात कर रहे हैं, वो हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि हम आईसीटी की हेल्प से जो है कॉन्सेप्ट मैप या माइंड मैपिंग कैसे कर सकते हैं। तो एक बार अगर हमें क्लियर हो जाएगा, हमें एज अ टीचर हमें खुद क्लियर होगा, तो वही चीज हम जो है बच्चे को ब्लैक बोर्ड पे ले जाके भी हम समझा सकते हैं। तो हम कह तो सकते हैं कि टीचर भी राइट इसके मैम, यू आर सपोर्ट। एब्सोल्युटली राइट फॉर दिस। मैं जी ये पूछना चाह रहा था मैम जी कि मैम इस पर मैंने कोई कंटेंट बनाया, कंटेंट में बनाया, हाँ अब उसको मैं सपोज कि अपने वीडियो में डालना चाहता हाँ बिल्कुल सर, डाल सकते हूँ, हाउ हैं। कैन आई डू दिस, हाउ नहीं, कॉन्सेप्ट मैप तो आप ऐसे ही बनाएंगे जैसे इसमें। हम बता रहे हैं, मतलब जैसे कि किसी भी टूल में कमांड्स दी गई उसी तरीके से आप बनाएंगे। अब वीडियो में कैसे एम्बेड करना है आपको, वो सर आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो में फिर आपको जो है मतलब बहुत सारी एनिमेशन की उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी कि कॉन्सेप्ट मैप जो है कि जैसे वीडियो चलता है ना उस तरीके से दिखे। तो मतलब जी वीडियो इसीलिए में मैंने कैसे पूछा, डालोगे वो तो मुझे नहीं मालूम, वो तो फिर एक कोई वीडियो वो सब एक्सपर्ट पावर की। पावर सर पॉइंट आपको, एनिमेशन से वो सब जब एक हाँ बार नहीं सर, कंसेप्ट वीडियो मैप की बन बात कर रहे जाएगा। हैं ना, तो वीडियो सर क्रिएशन के आपको, टूल्स हेलो अलग अलग है। मैम, हाँ हाँ सर, सर को वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा और उसके वक्त वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फिर उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग का वीडियो आप यूट्यूब पे डाल सकते हो। हाँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और वीडियो एडिटिंग यस सर, टूल्स भी हैं वो तो बहुत ठीक सारे। है, बट सपोज इन माय वीडियो आई वांट टू शो द कंटेंट मैप एट अच्छा फर्स्ट, एट सर फर्स्ट आई वांट टू शो द वैसे कंटेंट तो मैप। हाँ तो सेव होता, वो तो यस सेव होगा ही, वो तो इमेज या पीडीएफ के फॉर्म में सेव हो जाएगा, उसे आप उस पे डाल हाँ देंगे। राजेश सर, आप देखिए वैसे वीडियो का जो वीडियो रिसोर्सेज उस पर भी हमारा एक सेशन तो होगा, लेकिन अभी यस मैम, डिपेंड ये करता है कि आप वीडियो कैसा बनाना चाह रहे हैं। एक तो सर ने ऑप्शन बताया, आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर दी, वो तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो गई एक तरह से, प्रॉपर वीडियो तो नहीं हुआ। यस लेकिन अगर आप ये नहीं चाह हुआ। रहे हैं वीडियो ऐसा बनाना चाह रहे हैं कि जिसमें आप दिखा रहे हैं कि टीचर पढ़ा भी रहा है और फिर एक कॉन्सेप्ट मैप आता है और फिर वो कॉन्सेप्ट मैप जो है ऑटोमेटिकली मतलब अपने आप से जो एरोज आते जाते हैं और नोड्स आते जाते हैं, तो उसके लिए सर टूल्स थोड़े अलग भी हैं। थोड़ा सा आप एक्सप्लोर करेंगे तो बहुत इजी टूल्स भी जो है, इस पे एक ओपन शॉट वीडियो आप देख लीजिए, वरना तो आप मोबाइल में भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिनकी हेल्प से जो है वीडियोस आप क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग इमेजेस को या अलग अलग जो आपकी छोटी छोटी क्लिपिंग्स हैं उनको इकट्ठा करके एक अच्छी सी स्मूथ वीडियो आप बना सकते हैं। तो उसके लिए बस ये चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कौन सा टूल हमें यूज करना है। यस मैम, इसमें एक टूल आपने मैम ये नहीं बतलाया, एक और है इसमें, रैपिड प्रोटोटाइपिंग। हाँ नहीं, मैंने बताया ना रैपिड प्रोटोटाइपिंग पे आप क्लिक करेंगे और जब ड्रैग करेंगे तो दो नोट्स के साथ एक लिंकिंग टूल आएगा। मैं एक बार और आपको दिखा देती हूँ, जी ये दिख रहा है मेरा स्क्रीन आपको, ये देखिए ये यस मैम, यस आपका मैम, ये है रैपिड प्रोटोटाइपिंग। इस पे आप क्लिक करके जब आप ड्रैग करेंगे ना तो दो नोट्स के अच्छा साथ अच्छा एक अच्छा लिंकिंग आ जाएगा, तो ओके इससे ओके, थोड़ा थैंक यू मैम, फास्ट आप कॉन्सेप्ट मैप जो है वो बना सकते हैं। तो थैंक यू अगर मैम। आप ठीक है सर, थैंक यू। मैडम एक और और एक टेबल बनाकर वहां पर थोड़ा लिखिए, तो वो लिखने से ना वो राइट तक चले जाते हैं, जो ड्रैग होता है वो लिटिल अच्छा मैं एक बार अंदर और तर कर दूँ, ठीक वहाँ है एक बार एक थोड़ा कर। ये मैं नया वाला ले लेती हूँ, ये न्यू एरिया। आप क्या चाह रही हैं मैम, एक नोट बनाऊँ मैं? जी मैम, हम इस पे नोट पे क्लिक करेंगे और अपने कर्सर को स्क्रीन पे लाकर बस हमें ड्रैग करना है, ये नोट बन गया। जी बताइए, अब इसके अंदर लिखना है? जी बताइए क्या लिखूँ मैं?
टाइप्स ऑफ रिसर्च। अच्छा, टाइप्स ऑफ रिसर्चेस, ठीक है। उसका अंदर को थोड़ा ड्रैग करना होगा तो हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक ना करना पड़ेगा उसको। ये टेक्स्ट को, हाँ, मैडम। टेक्स्ट को आप अलाइन कर सकते हैं मैम। देखिए यहीं पे आपने सेलेक्ट करा और फिर विंडोज में गए हम, फॉर्मेटिंग पैलेट में गए और ये अलाइनमेंट है। अच्छा, ये मेरा सेलेक्ट नहीं हुआ है ना, सेलेक्ट करा मैंने और फिर अलाइनमेंट पे हम पहले सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कीजिए मैम, उसके बाद तब सेलेक्ट होगा। एरो सेलेक्ट कीजिए। हाँ पहले एरो सेलेक्ट कीजिए मैम। हाँ हाँ उसके एरो बाद आप सेलेक्ट कर सेलेक्ट दी। कीजिए। हाँ हाँ लेकिन वो यहाँ से हो, अभी पता नहीं क्यों क्या उसमें ग्लिच आ रहा है। वही हो भी नहीं रहा चलिए, है। नहीं, होएगा मैम, होएगा, जरूर होएगा। नहीं एक हुआ मिनट, मैं फिर से करती हूँ, रुकिए। क्या? मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट करा, विंडोज पे गए, फॉर्मेटिंग पैलेट पे गए। ये कैसे हो गया? नहीं होता है, मैं बोल पहले भी किया है। अच्छा एक सेकेंड, वापस एरो सेलेक्ट कीजिए आपका वो। हाँ वो कर, प्लस प्लस नहीं होना चाहिए इधर, एरो सेलेक्ट। नहीं एरो तो हमने सेलेक्ट कर लिया। स्पेस दबा के भी हो जाता है मैम। सिलेक्ट करके राइट क्लिक कीजिए। नहीं ऐसे तो कॉपी पेस्ट आएगा। जैसे मैंने किया था मैम हाँ वहां पे, फिर क्लिक करके ऐसे ही टैप करके बैकस्पेस दबाया तो सारा डिलीट हो गया, और फिर लिखना जो था मैंने लिखा उसमें। देखिए ये ऑप्शन आ भी रहा है सेंटर टेक्स्ट का, तो एक बार ऐसा करते हैं इसको, मैं साथ सबको डिलीट करके फिर। ये तो एक बार करके देखना पड़ेगा सर, मैं फिर बताती हूँ, वरना ये हो जाता है। अभी पता नहीं, एक बार सर इसको चेक करना पड़ेगा मैम। अभी ये पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है मैं आपको फिर बताती हूँ करके इसको, बाद में सेशन के बाद देखती हूँ कैसे होएगा एडिटिंग। ठीक इसके अलावा कोई और सवाल है? है। इससे पीएनजी बन सकता है क्या इस ऐप से? हाँ सर वो भी बताया ना, जब आप सेव करेंगे तो सेव टाइम पे आपसे पूछेगा कि किस फॉर्मेट में आपको सेव करना है, तो उसमें पीएनजी का भी एक ऑप्शन है, उसे आप सिलेक्ट करके सेव करिए तो हो जाएगा। लेकिन इसमें टेक्स्ट करना और बॉक्स बनाना ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, ये प्रॉब्लम क्लियर कर नहीं नहीं सर ये इजी है, इतना भी नहीं है। थोड़ा सा बस ये है कि प्रैक्टिस की जरूरत होगी, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे एक बार में हो जाएगा, इतना टफ नहीं है। वर्ड फाइल में भी तो बहुत सारा ऑप्शन आता है, वर्ड फाइल में हाँ बना लेकिन सर बनाया वर्ड में चार्ट काम शो ये सब काम आता है। करने में टाइम बहुत लगता है वर्ड में। जैसे कि अभी आपने फटाफट से नोट बना लिए और ये बॉक्सेस बना के, और जैसे मैंने आपको लाइन के स्टाइल अलग अलग बताया, कर्विंग लाइन भी आप ऐड कर सकते हैं और एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपको बताया कर सकते हैं, वो सारी चीजें वर्ड में नहीं है। हालांकि वर्ड का फॉर्मेटिंग टूल बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीजें, क्योंकि ये स्पेशली कॉन्सेप्ट मैपिंग के लिए टूल डिजाइन किया है, डेवलप किया गया है, तो इसमें इसकी फीचर्स और वर्ड की फीचर्स थोड़े से अलग हैं।
तो आप सब लोग, मैं उम्मीद करती हूँ साथ के साथ आपने हैंड्स ऑन किया होगा, और कुछ ना कुछ तो पहली बार जब हम करते हैं तो एकदम से निपुण नहीं होते, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, तो इसमें आप अगर प्रैक्टिस जारी रखेंगे तो मैम एक आप क्वेश्चन है, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट मैप बना पाएंगे। मैम एक क्वेश्चन है, जी, जो ये कंसेप्ट मैपिंग का जो अभी हमने बनाया, तो क्या इसमें जैसे कोई फ्लो चार्ट अगर हमें डालने हो तो उसके भी क्या इमेज डालने होंगे या फिर उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? कोई फ्लो चार्ट है तो फ्लो चार्ट, हाँ फ्लो चार्ट तो आपको इसमें ड्रॉ करना पड़ेगा सर, मतलब फ्लो चार्ट की फॉर्म में। लेकिन अगर आपको फ्लो चार्ट चाहिए तो आप उसके लिए मैं एक और टूल आपको बता देती हूँ, उस टूल का नाम है, चैट बॉक्स में लिख देती हूँ, उसमें फ्लो चार्ट के टेम्पलेट्स हैं, जी तो वो टेम्पलेट्स को आप जो है यूज कर सकते हैं, और उस टूल का नाम है ड्रॉ आईओ। मैं सोच रही थी आज आपको ये कराऊंगी लेकिन टाइम नहीं है, ड्रॉ आईओ। इसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं अलग अलग डिजाइन के, और एक टेम्पलेट आपको मिलेगा फ्लो चार्ट का भी मिलेगा। इसके बीच में अगर ड्रॉ करना चाहें तो इससे ड्रॉ हो जाएगा वो? इसमें ड्रॉ हो जाएगा फ्लो चार्ट आपको, मगर ड्रॉ करना पड़ेगा, टेम्पलेट इसका कोई अवेलेबल नहीं है इसमें, फ्लो चार्ट का व्यू में आपको ड्रॉ करना होगा। लेकिन जो मैंने आपको बताया अभी ड्रॉ आईओ, मैं आपको इसका लिंक भी डाल देती हूँ चैट बॉक्स में ढूंढ के, उसमें पहले से बने हुए जो है डिजाइन है, यानी टेम्पलेट दिए गए हैं। तो ठीक है मतलब सर, दोनों ऐप एक साथ काम इसमें कर सकता है ना? मैं वही जानना चाह रहा हूँ। अच्छा आप चाह रहे हैं कि वहां पे ड्रॉ करके इसमें कर दें? हाँ हाँ, जैसे अगर यहीं पे मैंने ये ऑलरेडी इस स्क्रीन पे मैं कंसेप्ट मैपिंग पे काम कर रहा हूँ और इसी के मिड में जैसे आपने कोई वर्ड लिखा, टाइप किया उसमें, तो सिमिलरली कि अगर वहां पे मैं अगर कोई फ्लो चार्ट, कोई फ्लो डायग्राम अगर मैं प्रेजेंट करना चाहूँ, क्या इज इट पॉसिबल? मतलब आप ये चाह रहे हैं कि इसमें अपने कॉन्सेप्ट मैप में एम्बेड हाँ करना चाह मैम, रहे क्यों हैं, नहीं हो सकता है? एम्बेड एम्बेड करना चाह रहे हैं? जी 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 मैम, नहीं, इसी में बनाना चाह रहे हैं तो, या फिर इम्बेड भी करना चाह रहे हैं तो कर ही नहीं, सकते हैं बनाने का ना। तो तरीका मैंने आपको बताया कि आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। जी, एम्बेड का तरीका ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया एडिशनल रिसोर्सेज आपने ऐड करी राइट क्लिक करके, तो उस तरीके से आप एम्बेड कर सकते हैं। आपने फ्लो चार्ट कहीं बना के रख लिया, मैंने ये लिंक एक डाल दिया इसमें ड्रॉ आईओ का, आपने फ्लो चार्ट बना लिया और आप इसको पर्टिकुलर नोड में आप चाह रहे हैं कि जैसे आप वहां पे पर्टिकुलर नोड में आप चाहते हैं कि यहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालू, बच्चा फ्लो चार्ट देखे और समझ ले, तो उस नोड में आप ऐड कर सकते हैं वो फ्लो चार्ट, यानी कि एम्बेड आप कर पाएंगे। नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ जैसे मैं क्लास में जब इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ उसी टाइम में अगर मैं वो चाहूँ कि ऑटोमेटिक वो फ्लो चार्ट भी उससे, जैसे वो कहीं से तो इमेज आके पेस्ट कर दिया वो तो हो जाएगा, लेकिन वो फ्लो चार्ट कहीं ऐसे कि मतलब उसी डायग्राम की तरह, मतलब जैसे सिक्वेंस में वो आना स्टार्ट हो जाए, तो क्या ये सब पॉसिबल है? इसमें वैसे सर लेयरिंग का ऑप्शन एक है व्यू में, मतलब आप लेयर्स बना सकते हैं, लेकिन उन लेयर्स में कॉन्सेप्ट मैप ही दिखा पाएंगे आप। उसमें फ्लो चार्ट अलग से कोई ड्रॉ करके वो दिखाना चाहे तो उसका मुझे मतलब क्लियर आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ लेयरिंग में इसमें ये होता है कि जैसे एक वीडियो चलता है ना, मतलब आपने कई सारे लेयर्स बना लिए और फिर जब आपने प्ले करा तो सारे लेयर्स एक साथ प्ले होते हैं, तो ऐसा लगता है कि जो है कोई वन बाय वन वीडियो चल रहा है। तो कंसेप्ट मैप इज ऑल्सो अ ड्राइंग लाइक थिंग एंड फ्लो चार्ट इज ऑल्सो अ ड्राइंग। यू कैन एज वेल ड्रॉ द फ्लो चार्ट हेयर ऑल्सो, नहीं सर, ये देयर इज पूछना चाह नथिंग। रहे हैं कि उसके जब आप फ्लो कॉन्सेप्ट मैप दिखा रहे हैं उसके साथ साथ ही जो है फ्लो चार्ट भी अगर दिखाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो उसके कर लिए सकते सर हैं इसमें। हाँ, तो मैंने वो आपको बताया ना कि लेयरिंग का ऑप्शन, बट लेयरिंग में आप कॉन्सेप्ट मैप ही दिखा पाएंगे, फ्लो चार्ट आपको ड्रॉ करना पड़ेगा या एम्बेड करने के लिए आपको वही राइट क्लिक करके किसी भी नोड में ऐड करना होगा। मैम वो जो विंडोज एक में बार वही है फॉर्मेटिंग कि पैलेट है, हिट एंड ट्रायल मेथड आप प्रैक्टिस कीजिए, ट्रायल कीजिए, और इसके और भी जितने फीचर्स हैं आप उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। हाँ मैडम वो जो विंडोज में फॉर्मेटिंग पैलेट है क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं क्या आप? क्या क्या कर क्या सकते? और है वो जो विंडोज में हाँ, फॉर्मेटिंग पैलेट है उसे थोड़ा मैम एक एक बार बार? आप एक बार उसे ओपन करिए, उसमें कुछ ऑप्शंस हैं फॉर्मेटिंग है। सर वो 2 दिन ही आ रही है मैम, हम जो पहले कर रही थी वो लाइन को ऐसे ऐसा तो नहीं थोड़ी आप अपने, पाथ हाँ दिखा सकते। एक पाथवेज करके कुछ था वो, क्या मैम? हाँ थोड़ा थोड़ा टिके
पाथवेज में ऑप्शन ही आएगा, लॉन्च प्रेजेंटेशन है, ऐड नोड टू पाथवे है। अभी पहले ये थोड़ा इसका एडवांस फीचर ऐसा है, तो इसलिए मैंने ये अच्छा, वाला, हाँ एडवांस वाले अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं कि एक बार कॉन्सेप्ट ओके मैपिंग okay. क्या होती है वो ड्रॉ करना आप सीख लें, और उसमें बेसिक हमें पढ़ाई में क्या चाहिए, क्लासेस के लिए क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, वो सारी बेसिक चीज़ें वो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करी है। एडवांस में अभी हम नहीं गए। तो मैम जो बोल रही थी फॉर्मेटिंग पैलेट में, मैम विंडोज पे आप क्लिक करेंगे ना तो वो आपकी पैलेट ओपन होके आ जाएगी, और अपने स्क्रीन को मैक्सिमाइज रखिएगा। मैक्सिमाइज रखेंगे तो हो सकता है कि वो कट रही हो, मिनिमाइज स्क्रीन पे अगर आप देख रहे हैं तो। जी, वो और लाइन वाला कुछ दिखा रहे थे आप। अच्छा मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ मैम स्क्रीन शेयर करके। ये देखिए मैम, जैसे हमने ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी, ये एक हमने कनेक्टिंग लाइन ड्रॉ करी, और ड्रॉ करके ये जो है बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट, फिर भी इसको हम चेंज करना चाह रहे थे, हमने इसको सिलेक्ट करा। उसके बाद अपनी फॉर्मेटिंग पैलेट आप खोल लीजिए। फॉर्मेटिंग पैलेट में आप देख रहे हैं स्ट्रोक्स, स्ट्रोक्स के अंदर ये लाइन के अलग अलग डिजाइन आ जाएंगे, और वेट में जो है इसको आप बोल्ड कर सकते हैं, यानी कितना आपको इसको विजिबल रखना है, 6 पॉइंट पे, 5 पॉइंट पे, 4 पॉइंट पे, यहाँ पे इसका जो है आप इसको बोल्ड कर सकते हैं लाइन को। और आप यहाँ पे हम दिखा रहे थे कर्व लाइन, लिंक में आप देखेंगे ना लिंकिंग लाइन है, ये लिंकिंग टूल है, तो इसलिए लिंक ऑप्शन में आप देखेंगे यहाँ पे कर्व लाइन का ऑप्शन आ गया। तो इसकी हेल्प से, लिंक की हेल्प से आप अपनी लाइन को कर्व दे सकते हैं, ठीक है। आप जितना भी कर्व दे सकते हैं, अब जहाँ इसको घुमाना चाहें, जहाँ मूव करना चाहें, वो आप कर सकते हैं, ठीक है मैम। तो अब मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना अपने सब्जेक्ट का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैप आप प्लीज बनाएं, और जितने भी फीचर्स आज हमने डिस्कस करें उन सारे फीचर्स का यूज करें। तो जितने भी जब ये असाइनमेंट्स आपसे लिए जाएंगे तो आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक कॉन्सेप्ट मैप भी आप जरूर सबमिट कीजिएगा। तो इसी के साथ मेरी तरफ से ये वाला सेशन हैंड्स ऑन खत्म होता है। आपके सवाल, मुझे लगता है मैक्सिमम सवालों का जवाब हमने दे दिया है, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप चैट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम लंच के लिए अभी